ये है एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे। एबीपी न्यूज पर दिन भर की बड़ी खबरें। सुप्रीम कोर्ट में जज की नियुक्ति को लेकर कांग्रेस और बीजेपी में जंग छिड़ गई है। जस्टिस केएम जोसेफ को नियुक्त न करने पर कांग्रेस ने कहा कि केंद्र सरकार न्यायपालिका में दखल दे रही है। कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कांग्रेस पर पलटवार करते हुए कहा है कि कांग्रेस हमें कानून का पाठ न पढ़ाए। यूपी के कुशीनगर में वैन और ट्रेन की टक्कर में 13 बच्चों की मौत हो गई और 7 बच्चों की हालत अभी भी नाजुक है। हादसे के बाद स्कूल को सील करके प्रिंसिपल को गिरफ्तार किया गया है। ये स्कूल बिना मान्यता के चल रहा था। वहीं इंसाफ मांग रही भीड़ को सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि नौटंकी बंद करो। चुनावी साल में मध्य प्रदेश कांग्रेस में बड़ा बदलाव हुआ है। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने 71 साल के सांसद कमलनाथ को प्रदेश की कमान सौंपी है। इसके साथ ही 4 अन्य कार्यकारी अध्यक्ष भी बनाए गए हैं। वहीं ज्योतिरादित्य सिंधिया को चुनाव प्रचार अभियान समिति का अध्यक्ष बनाया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज से 2 दिन के चीन दौरे पर रहेंगे। मोदी अपनी इस दूसरी चीन यात्रा में आज रात वुहान पहुंचेंगे, जो मध्य चीन के हुबई प्रांत की राजधानी है। हालांकि चीन के राष्ट्रपति शी जिनफिंग से उनकी मुलाकात 27 अप्रैल की दोपहर को होगी। HDFC बैंक ने फिक्स डिपॉजिट समेत टर्म डिपॉजिट की दरों में 100 बेसिस पॉइंट यानी 1% की बढ़ोतरी कर दी है। इसके बाद 1 साल से ज्यादा समय के लिए कराई गई FD पर आपको 7% की दर से ब्याज मिलेगा। ये ब्याज 1 करोड़ रुपए से कम राशि वाले फिक्स डिपॉजिट के लिए है। बैंक की ये बढ़ी हुई दरें 24-25 अप्रैल से प्रभावी मानी जाएंगी। ये है ABP News, आपको रखे आगे।